दोस्तों, अगर आप भी मालपुआ बनाते हैं और उसे फ्राई करते टाइम तेल में बिखरने लग जाता है और फूले फूले भी नहीं बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बनाएंगे मालपुआ। तो वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जो एकदम फ्री है। सबसे पहले तो हम मालपुए का घोल रेडी करेंगे। तो इसे बनाने के लिए आप कोई भी एक कप या बाउल मेजरमेंट के लिए फिक्स कर लीजिए, और उसी कप या बाउल से आप एक कप लीजिएगा सूजी, और उतना ही आप एक कप मैदा लीजिएगा, और बस उसी क्वांटिटी से आप एक कप चीनी लीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल करके पहले इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। ज़्यादा भी अभी दूध इसमें ऐड नहीं करना है, तो आप जितना जितना इसमें सूजी, मैदा और चीनी डाले हैं, बस उतना ही एक कप इसमें दूध नाप करके डाल दीजिएगा। इस टाइम में मैंने पहले थोड़ा सा दूध डाला था, और थोड़ा सा बस और दूध डाल करके इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें जरा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसे हमें एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी मैंने इसमें बराबर मात्रा में डाला है। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, लेकिन एकदम परफेक्ट मिठास चाहिए आपको तो एकदम बराबर मात्रा में ही आप इसमें चीनी डालिएगा, और एक बार खा करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, अब इसे हमें रेस्ट करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रहने देना है। अगर आप इसे सवेरे सवेरे बनाएंगे तो आप इसे ओवरनाइट भी सोख होने के लिए इस तरह से रहने दे सकते हैं। ये देखिए, 4 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सोख हो चुका है। तो इसी टाइम में इसमें हम डालेंगे 5 से 6 इलायची को कूट करके। आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़े से इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप डाल सकते हैं। और एक केले को इस तरह से मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे। ये हम मालपुआ बना रहे हैं तो आप इसमें केला डाल करके ज़रूर बनाइएगा, इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है केला डालने पर। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये घोल हल्का सा टाइट हो चुका है, तो इसे पहले हम इसी तरह से मिक्स करेंगे, और फिर इसमें हम बस थोड़ा सा ही और दूध ऐड करेंगे। ज़्यादा हमें इसमें अब दूध ऐड नहीं करना है, इसे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। तो मैं बस इसमें थोड़ा सा ही, देखिए दूध पहले जो बच गया था तो उसी में से मैं थोड़ा सा इसमें दूध डाल रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ हमें किस तरह का ये घोल रेडी करना है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट हमारा घोल रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा ना हमें पतला करना है और ना ही गाढ़ा करना है, तब इससे एकदम परफेक्ट मालपुआ बन करके रेडी होगा। मालपुआ आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं, नहीं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। देसी घी में इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घी या ऑयल जो भी आप लेना है ले लीजिए, और उसे पहले एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। और पहले इसमें हम बस एक बना करके ट्राई करेंगे। पहले आपको बस एक ही बनाना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अगर टूटेगा तो फिर सारा टूटने लग जाएगा। तो पहले एक बना करके उसे दोनों तरफ से पलट करके अच्छी तरह से सेक करके हम फ्राई करके निकाल लेंगे, और फिर इसमें हम बाकी का पुआ फ्राई करके निकालेंगे। तो ये देखिए, एकदम अच्छी तरह से पुआ हमारा बन करके रेडी हो चुका है, एकदम फुला फुला सा पुआ रेडी हुआ है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। मैं आपको पहले पास से दिखा देती हूँ कि एकदम अच्छी तरह से फूल चुका है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बना है। तो अब इसी तरह से हम बाकी के सारे पुआ को भी बना लेंगे। और अब हम एक बार में, आप चाहें तो 3-4 जितना बनाना है उतना बना सकते हैं, तो मैं एक बार में 4 बनाऊंगी। तो आप बस बीच में डालिएगा, अपने आप ये फैलते जाएगा और इसका शेप गोल हो जाएगा। नहीं तो अगर मेरी तरह पहला जो मैंने हल्का सा हाथ घुमा दिया था तो वो हल्का तिरछा हो गया, तो वैसा हो जाएगा। बस आपको बीच में ही डालना है और अपने आप ये गोल हो जाएगा। तो पहले मैं इसमें 3 डाल रही हूँ, और ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये फुला फुला सा बन रहा है हमारे पुआ। पहले हम इसे पलट करके साइड कर लेंगे, फिर इसमें जगह बचेगा तो उसमें हम और भी पुआ बना सकते हैं। इसे पलटने के लिए ये देखिए, मैं चिमटे का यूज़ कर रही हूँ, इससे एकदम अच्छी तरह से पलटा जाएंगे। तो आप चाहें तो आप भी इसे पलटने के लिए चिमटे का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट हमारा पुआ फुला फुला बन रहा है। तो दोस्तों, आप भी मेरे स्टाइल से एक बार ज़रूर मालपुआ बना करके ट्राई कीजिए। इसमें केला ज़रूर डालिएगा, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केला डाल देने के बाद इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मालपुआ है और इसमें केला पड़ना तो बनता ही है। तो केला डाल करके इसे ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं पसंद आई हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और जाने से पहले, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो एकदम फ्री है, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी को मेरे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैंने इसे हल्का व्हाइट ही छान करके निकाला है, क्योंकि सूजी मैदा वाला पुआ हल्का व्हाइट ही अच्छा लगता है। अगर आपको डार्क ब्राउन कलर का इसको फ्राई करके निकालना है तो आप वैसा भी निकाल सकते हैं। वैसे तो आटा वाला जो होता है पुआ, उसे हल्का सा लाल करके निकालते हैं। ये पुआ ऐसे ही अच्छा लगेगा, एक बार इसे ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। इसे खीर के साथ या रबड़ी के साथ इंजॉय कीजिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, इसे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।